जिनके पास 7-7 लाख रुपए की भी डॉग्स हैं, मैं उनका नाम नंबर आपको दे सकता हूँ, आप पूछें, उनके लिटर्स अक्सर मरे हुए भी पैदा हुए हैं। तीसरी हीट आती है, फिर आप मेट कराते हैं, रिजल्ट नहीं आता, मैं जिम्मेवार हूँ, 1 लाख रुपया अपने 4 लाख पे ऊपर ले लें, मुझे मेरा डॉग वापस कर दें। ना ये कभी प्रोड्यूस कर पाएगा, ना ही ये अभी कुछ चल पाएगा, और ना ही अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। आप इसको फौरन से पहले जो है वो एक्सपायर कर दें, इंजेक्शन लगाएं और एक्सपायर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब, और आप देख रहे हैं टीवी तमाशा। वंस अगेन डॉग्स की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ मौजूद हैं काशी भाई, जो कि साइबेरियन हस्कीज का शौक रखते हैं और किंग हैं वाकेंड के अंदर। जनाब काशी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेहराब भाई, कैसे हैं? ठीक है, बस अल्लाह का फजल करम। आप बताएं क्या आपके घर पे मौजूद है, और माशाल्लाह आपका शौक देखकर अच्छा लग रहा है। F9 में तो हमने छोटा सा आपका शौक दिखाया था लोगों को, लेकिन जस्तुजू उनको रही कि हमें मजीद दिखाया जाए। निकाशी भी बताएं कितने हस्कीज आपके पास मौजूद है और कब से आप ये शौक कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मेरे पास 25 तो हैं, और पाकिस्तान में कहें तो 2019 से कर रहा हूँ। तो ये शौक है या बिजनेस है? ये बिजनेस नहीं है। देखिए आपने जो अगर हाँ अगर आपके पास इस तरह की चीज़ है जिस तरह आप मैनेज कर पाते हो कि आपका सारा खर्चा पानी, आपके बच्चों का खर्चा पानी, घर का खर्चा पानी, इनका खर्चा पानी सब उसी से निकल के आ सकता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एटलीस्ट एक पपी आपको 6 लाख रुपए का बेचना पड़ेगा। ठीक है, कौन लेगा? आपने इंटरव्यूज़ में बहुत से लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी कम से कम तो 50-60,000 एक डॉग के ऊपर एक्सपेंस आता ही आता है। ठीक है, इतना तो एक्सपेंस आता ही आता है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर आपने इसको प्रॉफिटेबल बनाना है तो प्रॉफिट में आप एटलीस्ट 10%, 20% या 30% तो अपने प्राइस में ऐड करोगे ना, राइट? तो तभी वो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ नहीं हो पाती। अगर आज आप एक 4 महीने का पपी भी इम्पोर्ट कराने जाएंगे तो किसी भी ब्रीड का अच्छी क्वालिटी का पपी आपको कम से कम 10 लाख रुपए का पड़ेगा। नए लोग क्या करें, और अगेन कहाँ से ख़रीदें? हर बंदा तो टिकट कटा के बाहर नहीं जा सकता, और वहाँ जा के खर्चा पानी दे के सब कुछ करके अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके एज अ गिफ्ट यहाँ पे नहीं लेके आ सकता। ठीक है, इतनी ज़्यादातर लोगों में समझ है नहीं, ना ही इतना रिसोर्स है लोगों के पास इतना, तो वो पाकिस्तान से ही ख़रीदेंगे ना। मेरे घर में जो जो डॉग अवेलेबल है वो सब अवेलेबल है फॉर सेल, एवरी डॉग इज़ अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, आप किसी भी डॉग की बात करते हैं, आप शो में आए हैं, उनका शो रिकॉर्ड पूरा है, उनका मेडिकल रिकॉर्ड पूरा है, उनके पेडिग्री डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनकी माइक्रोचिपिंग हुई भी है। बहुत से डॉग्स ऐसे हैं जिनको अक्सर लोग शोज़ में आते ही सिर्फ उनसे मिलने के लिए हैं, सिर्फ उनको देखने के लिए हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ फॉर सेल। और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ और जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, मेरे एक और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी ये बात करते हैं कि आपने अगर शौक करना है ना तो डर के नहीं करो, तसल्ली से करो। आज अगर आप एक ब्रीडर फीमेल लेके जाते हैं, अगर वो मेटेड भी है, कोई बंदा इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि लिटर आएगा, पपीज प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये नेचर की कॉल होती है, ये कुदरत का निज़ाम है। आप अपनी तरफ से तमाम तर मेजरमेंट्स कर सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसमें 4-5 पपीज़ नज़र भी आ रहे होंगे, लेकिन 70-75 दिन तक आपको कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपसे झूठ बोला है। जैसा मैं कह रहा था, आपको अपनी ब्रीडर फीमेल के ऊपर, आपको अपनी ब्रीड के ऊपर, आपको अपने डॉग्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, डॉग लेना है तसल्ली से लो, अच्छी जगह से लो। नहीं पसंद आता रिजल्ट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ब्रीडर फीमेल लेके जाता हूँ, आप मेहरब भाई कहते हैं मैं आपसे ब्रीडर फीमेल लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जूली की बात अगर आप कहते हैं, ठीक है, जूली अगर आप कहते हैं मैं आपसे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये 4 लाख रुपए में अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि ये मेट भी हुई है। ठीक है, अभी 1 मार्च को मेट हुई है, 5 मार्च को मेट हुई है, 8 मार्च को मेट हुई है, और मेट भी माशाल्लाह ह्यूज साइज़ मेल के साथ हुई है। ठीक है, तो इसका तकरीबन 2 महीने बाद रिज़ल्ट आना है। शो में आप खुद देख के आए हुए हैं इसको, ठीक है, मैंने शो की हिस्ट्री जो है वो अपने पेज के ऊपर इसकी लगाई भी हुई है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं काशी भाई मैं आपसे ये लेके जाता हूँ, 100 बिस्मिल्लाह, 4 लाख रुपए इसकी प्राइस है, आप मुझे वो दीजिए, इसको ले जाएं। 2 महीने बाद खुदा ना खास्ता आपके पास रिजल्ट नहीं आता, ओके, दोबारा ये हीट पर आएगी, किसी और मेल, मेरे से नहीं, किसी भी पाकिस्तान में किसी और मेल से मेट कराएँ, रिजल्ट नहीं आता, नो प्रॉब्लम। तीसरी हीट आती है, फिर आप मेट कराते हैं, रिजल्ट नहीं आता, मैं ज़िम्मेवार हूँ, 1 लाख रुपया अपने 4 लाख पे ऊपर ले लें, मुझे मेरा डॉग वापस कर दें। ये ऑफ़र है आपकी तरफ से?
सिंपल है, हर डॉग के ऊपर जो डॉग लेके जाना है लेके जा सकते हैं, ठीक है। उस पर जो गारंटी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ कि ये अगर आपका स्टड है, तीन फीमेलों को आपने स्टड, देखें स्टडिंग में अगेन आपने ख्याल रखना है, अगर मेल डॉग लेके जाते हैं, मेल डॉग लेके जाते हैं, ये नहीं आपने अन्नी बार कल से उसकी दुकान खोल दी कि जी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में आप मीटिंग दिए जा रहे हैं। 3 महीने आप मेल डॉग अपने पास रखें, 3 डिफरेंट फीमेल्स को मेट कराएं, अगर तीनों का रिजल्ट नहीं आया, अगर 5 लाख रुपए का मुझसे डॉग लेते हैं, 6 लाख रुपए लेके आएं, ओ सॉरी 6 लाख रुपए मुझसे लें, डॉग वापस दे दें। मुझे बताएं सबसे सस्ता डॉग इस टाइम आपके पास कौन सा होगा? आई थिंक मेरे पास, मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई सस्ता होगा, लेकिन मिनिमम प्राइस में कौन सा अवेलेबल आपके पास है? देखिए मेरे पास इस टाइम 1.25 से लेके 6.5 तक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आज की वीडियो थी हमारी, तमाम हस्कीज 25 डॉग्स हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम, काशी भाई के फार्म पर हम लोग यहाँ पर हैं मौजूद, और यहाँ पर आप आए खरीद सकते हैं। काशी मुझे पता है इस टाइम आपके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है? हस्कीज हैं सारे? सारे हस्कीज हैं, साइबेरियन हस्कीज, साइबेरियन हस्कीज मौजूद है। कलर्स इसके अंदर बता दें थोड़ी डिटेल उनकी। यार इसमें सिल्वर भी है, जो वो सैबल वुल्फ कलर होता है वो भी है, नॉर्मल नॉर्मल ब्लैक भी है, नहीं वाइट नहीं है, नॉर्मल ब्लैक भी है, उसके अलावा ब्राउन है, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड ग्रे होता है वो है, जो वो वाइट आप मेरे पास कह रहे हैं ना वो दोनों सेमोइड हैं, वो जो उसामा भाई वाले वाइट देखे थे आपने नीली आंखों वाले, वो हस्की हैं। अच्छा, ये उन्हीं के फूफा फूफी के पुत्र पुत्र हैं तो आप कह लें, लेकिन इनके सेमोइड में सिर्फ ये होता है कि इनकी आंखें या तो ब्राउन होती हैं या ब्लैक होती हैं। ये भी बहुत प्यारे हैं। हाँ तो ये सेमोइड हैं, तो हाँ बस मतलब कलर ऑलमोस्ट हर कलर अवेलेबल। आपने हर डॉग देना है या आपने सोच लिया? हाँ। काशी भाई का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है आपका, वही वाला नंबर जो लगाते हैं हमेशा, काशी भाई का नंबर स्क्रीन पे स्टिल मौजूद था मौजूद है, आप इनसे रब्ता करें। तमाम हस्कीज फॉर सेल है, और जो रेट और जो पैकेज काशी भाई ने बताया मोहब्बत के साथ, चूंकि ये डॉग शौक वाले को ही देंगे, बिजनेस वाले को नहीं देंगे, जिसने लेकर बेचना है और उसको ख़राब करना है उसको नहीं मिलेगा डॉग। डॉग से सारी वीडियोज़ आपने देखी, सारे सिनेमैटिक्स लगे थे वीडियो के दौरान, ये वीडियो शॉर्ट है, डिटेल वीडियो इसके बाद आएगी, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और अगेन काशी भाई के नंबर स्क्रीन में मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर इनका फॉर्म विजिट कर सकते हैं, इनके मूडी फूडी पर जाके इनका बर्गर भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के बाद हम खाने वाले बीफ बर्गर, एंड कर दो वीडियो काशी भाई, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगेन नंबर स्क्रीन मौजूद है, इनसे रब्ता करें, डॉग का शौक रखने वाले डॉग खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।